हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्षा टेरेस गार्डन, जैसे कि शुरुआत करते हैं इन छोटे छोटे पौधों के साथ। ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पौधे हैं। ये सारे ही मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, जैसे सदाबहार, पर्पल हार्ट, जितने भी पौधे यहाँ पड़े हुए हैं ये सारे के सारे मेरे कटिंग के लगे हुए हैं। छोटे छोटे से पौधे हैं जिनको अभी मुझे गमले में शिफ्ट करना है। तो सबका यही होता है कि हमारे पास गमले हैं पर मिट्टी है, पर अच्छी खाद नहीं है। तो खाद कहाँ से लाएं? कई जगह पर हमें खाद नहीं मिलती है, जैसे कि नर्सरी बहुत हमारे यहाँ दूर होती है, तो हम लेडीज़ वगैरह इतना जल्दी जा नहीं सकते कि खाद लेके आए। तो हमारे घर में जो कूड़ा किचरा आता है, जैसे फलों के छिलके, फूलों के छिलके, या फिर आप कह सकते हैं अंडों के छिलके, बनाना पीस, जो भी आपका किचन वेस्ट निकलता है और साथ में जो भी आपके गार्डन का वेस्ट निकलता है, आप इन सबको मिलाकर एक अच्छा सा एक खाद बना सकते हैं। और अपने घर का बना हुआ खाद है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, बस अपने घर में बनाना है। हाँ, आपको एक दो बार तकलीफ होगी, अगर आप नए नए हैं तो आपको एक बार तकलीफ़ होने वाली है खाद बनाने में। ऐसे नहीं कि मैंने भी ना गार्डनिंग शुरू की और मैंने गमले में मिट्टी डाल दी और छिलके डाल दी और मेरी खाद बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी जब शुरुआती दिनों में, जैसे कि अभी तो मुझे गार्डनिंग की हुए 3 साल हो चुके हैं, जब पहले पहले मैंने भी ऐसे यूट्यूब पर देखा और खाद बनाना शुरू किया, तो कभी पौधों में कीड़े लग जाते थे, कभी बदबू आती थी, तो उसकी वजह से मैं बनाती नहीं और डर कर फेंक जाती थी। पर 1 साल हो गया, अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो मेरे घर का कोई भी कूड़ा कचरा, चाहे ऊपर टेरेस का हो या नीचे मेरे किचन का हो, कोई भी कूड़ा कचरा मेरा बाहर नहीं जाता है, उसको मैं इकट्ठा करती जाती हूँ। जैसे कि हम रोज़ सब्जियां बनाते हैं तो घर में जितने भी हमारे छिलके हैं हमें वो यूज़ करने हैं, जितने भी छिलके हैं। आगे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूखे पत्तों और गीलों पत्तों का मैंने एक किचन वेस्ट का तैयार किया था कंपोस्ट, जो मेरा तैयार हो गया है उसी का वीडियो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। उससे पहले थोड़ा मैं ये दिखा दूँ, ये देख सकते हैं कितना लंबे हो गए हैं और इनके पत्ते देखिए ये कितने भरे भरे मेरे पौधे हो गए हैं। और मैंने इनमें कोई भी बाहर की खाद, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर आकर देते हैं गोबर की खाद हो, कोई भी खाद हो, मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतना कुछ पौधों को बाहर की ज़रूरत है जितना हमारे घर में चीज़ें निकलती है। जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, अंडे के छिलके हो गए, ये सभी हमारे घर में रोज़ के रोज़ आते हैं। सॉरी, पर अंडे तो हम नहीं खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, तो उनके छिलके डाल सकते हैं अच्छी तरह धोकर सुखा कर, चाय पत्ती डाल सकते हैं। और मुझे लगता है जो मुझे बेस्ट लगता है वो है घर का किचरा, उससे बनी हुई खाद, उससे बेस्ट कोई खाद नहीं है। और आज तक मुझे कम से कम डेढ़ सौ से ज़्यादा गमले हैं, पर मैं मुश्किल से 6 महीने में 1 या 2 बोरी, मान लीजिए वो बोरी तो नहीं कहूँगी थैली, 6 महीने में 5 किलो की बोरी या 2 5-5 किलो की बोरी लाती हूँ, नहीं तो मुझे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ये देख सकते हैं साइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ, ये तो कनेर का है, मैंने भिंडी की पौध लगाई हुई है और ये रही मेरी भिंडी की पौध, और मैंने इसके में कोई भी खाद नहीं डाली, बाहर की तो कोई भी खाद नहीं डाली, जो किचन के वेस्ट की मैंने खाद बनाई थी वही मैंने इसमें डाली। आप इसका पत्ता देखिए, इसकी साइज देखिए, इसमें मैंने 3 सीड लगाए थे और 2 मेरे लग गए और 1 मेरा सीड ख़राब हो गया, लेकिन आप इसकी साइज देखिए कितनी अच्छी है। और इसमें मैंने कोई बाहर का कंपोस्ट यूज़ नहीं किया है, घर का सिंपल बना हुआ किचन वेस्ट यूज़ किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमें डर लगता है कीड़ों से, मकोड़ों से, तो आप उस खाद को खोलिए ही मत ना। आप बार बार ना कचरा डालते हैं और फिर खोल के देखते हैं तो कीड़े क्या करते हैं, वो हमारे खाद बनाने का काम करते हैं। अगर हमारे कचरे में कीड़े नहीं होंगे तो खाद कैसे बनेगी? वही सारे जो जर्म्स कीड़े होते हैं वही हमारे कीड़े बनाते हैं। ये जो बाहर से आप महंगी महंगी लेके आते हो उससे कहीं गुना अच्छी खाद हमारी घर की किचन वेस्ट है। कुछ ही दिन मैंने एक पत्तों की खाद बनाई थी, मेरी वो पूरी तैयार हो गई है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा मैंने और भी वेस्ट, किचन वेस्ट बनाया हुआ है जो आपके साथ मुझे शेयर करना है, बहुत सारी वे। देखिए ये
मेरा कने का पौधा कितना ग्रीन है, कितना, इसको भी मुझे अभी निकालना पड़ेगा। ये सब मेरे वेस्ट हैं, देख सकते हैं कितने भरे वेस्ट हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरा वेस्ट दिखाना। उस वेस्ट देखते देखते ये आप मेरी बेटी है जो पेंटिंग की थी वो भी देखते जाइए। बस ये क्या करना है, हमें नहीं, घर का जो भी किचन वेस्ट है एक गमले में डाल देना है अच्छी तरह, जिसमें होल हो, अच्छा खासा होल हो नीचे। उसके नीचे मैं कुछ नहीं करती, एक मोटा पेपर बिछा देती हूँ और घर का जितना भी किचन वेस्ट निकलता है उसमें दुगनी मात्रा में मैं पेपर डाल देती हूँ, या गद्दे आते हैं ना उसके टुकड़े डाल देती हूँ। कुछ भी नहीं करती, सिंपल सा बस किचन वेस्ट लिया। अगर हमने 25% किचन वेस्ट लिया है तो 50% मान के चलिए हमें क्या डालना है, हमें डालना है ड्राई लीव्स, या फिर अगर आपके पास ड्राई लीव्स नहीं है, सूखे पत्ते नहीं हैं, तो उसमें आप क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे गद्दे या पेपर के टुकड़े, कुछ भी आपको जो भी आपके एरिया में मिलता है वो। ये देखिए ये ऊपर ऊपर से थोड़ा सा मेरा बाकी है, ये जो कनेर के थे ना मैंने भरे भरे पत्ते डाले थे, 2 महीने हो गए हैं, पूरी तरह ये तैयार है। हाँ थोड़े थोड़े पत्ते अभी नहीं हुए हैं, मैं आपको निकाल के देती हूँ। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, नीचे से पेपर बिछा दिया, ऊपर से बस हमने किचन वेस्ट डाल दिया, सूखे पत्ते जो भी हमारे घर में अंडों के छिलके वगैरह निकल डाल दिए, और उसमें कम से कम आप 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी भरिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नॉर्मल सी बात है वो कीड़े सारे नीचे अपने आप ही काम करेंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आप किचन वेस्ट डालकर ढाई लीज से और मिट्टी बिल्कुल एक मुट्ठी डाल दी और हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप उसको अच्छी तरह मिट्टी से कवर कीजिए और 2 महीने तक छोड़ दीजिए कम से कम। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैं इसको खोलती नहीं कि बार बार खोला, पानी डाला, फिर ना इसको घुमाया, ये वो कुछ भी नहीं। मैं सिंपल सा इसको 2 महीने तक छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल मुझे पता है इसमें पानी निकलेगा, अपना आप मॉइस्चराइज बना रहेगा, इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पर आपके सामने मैंने जो जब ये खाद बनाई थी पत्तों की, तभी मैंने खाद डाली थी, और ये मेरी ऑलमोस्ट पूरी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पत्ते हैं जो अभी डीकम्पोज होने वाले हैं, पर मैंने इसको इसीलिए निकाला क्योंकि मेरी तो कम से कम 90% तो यूँ समझ ली हो चुकी है, बाकी मैं इसको छानने वाली नहीं हूँ अब, क्योंकि मैं सब्जियाँ लगाने वाली हूँ विंटर की। तो नीचे से मैं ये खाद डाल दूँगी और ऊपर से अपनी पौध लगा लूँगी। छोटे छोटे जो पत्ते बच गए हैं ये देख सकते हैं कैसे गद्दे पेपर है ना, न्यूज़पेपर, वो मैंने बिछा दिया, अभी तक वो भी डीकम्पोज नहीं हुआ है। बहुत ही सिंपल है खाद बनाना, आप अपने घर में बनाइए। बस याद रखिए ऊपर से हमें मिट्टी अच्छे से ढक लेनी है, जिससे हमें उसमें कीड़े ही नहीं दिखाई दिए। तो आज के लिए इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कम